Good morning. Today I shall teach you the chapter, The Selfish Giant, which is the third chapter of your supplementary reader. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. Now, a giant, एक बहुत बड़ा आदमी यहाँ डिस्कस किया गया है, जिसके गार्डन में बच्चे खेलने जाया करते थे जब वो स्कूल से वापस आते थे. It was a lovely, large lovely garden with soft green grass here and there. Over the grass stood beautiful flowers like stars. यहाँ पे बहुत हरी घास थी और ऐसा लगता था कि फूल जो गार्डन में उगे हैं वो सितारों की तरह हैं आसमान में. And there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen them. अब इतना सुंदर गार्डन था, यहाँ फ्रूट्स थे, चिड़िया चहचहाती थी, तो पूरे गार्डन का इस पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन दिया गया है. How happy we are here, they cried to each other. सारे बच्चे एक दूसरे से बोलते थे कि हम लोग यहाँ कितना खुश हैं. One day the giant came back. एक दिन ऐसा हुआ कि giant वहाँ पे वापस आ गया. He had been to visit his friend the Cornish ogre and had stayed with him for 7 years. Giant 7 साल बाद लौटा था. When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो लौटा तब उसने देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं. What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away. उसने बोला जायंट ने, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे डर कर भाग गए. My own garden is my own garden, said the giant. ये मेरा गार्डन है और मैं इसको ओन करता हूँ, मतलब ये मेरी बिलोंगिंग है. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in but myself. यहाँ मेरे को छोड़कर और कोई भी इस गार्डन में नहीं रहेगा, जायंट बोला. So he built a high wall all round it and put up a notice board. उसने पूरे गार्डन के चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी, बहुत ऊंची दीवार, और उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि trespassers will be prosecuted. मतलब कोई भी अगर इस गार्डन में आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. He was a very selfish giant. ये giant बहुत ही selfish था. Selfish का मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है. The poor children had now nowhere to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones. बच्चों ने कोशिश की सड़क पे खेलने की, मगर सड़क पे बहुत ज़्यादा धूल थी और पत्थर थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को ये पसंद नहीं था. दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटिफुल गार्डन इनसाइड. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. और बच्चे एक दूसरे से यही बात करते थे कि हम लोग गार्डन में कितना अच्छे से, कितना खुश थे. Then the spring came, and all over the country there were little blossoms and little birds. तब बसंत ऋतु आई और वहाँ पे हर तरफ, चारों तरफ फूल ही फूल थे और चिड़ियाँ थी छोटी छोटी. Only in the garden of selfish giant it was winter. सिर्फ selfish giant के गार्डन में सर्दी का मौसम था. The birds did not care to sing in it, and there were no children. वहाँ पे चिड़िया नहीं चहकती थी और कोई भी बच्चे नहीं थे. एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, पेड़ों पे कुछ भी नहीं, फूल पत्ती कुछ नहीं होता था. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास एंड व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. इसमें एक बहुत ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन बच्चों दिया गया है कि एक बार एक बहुत सुंदर फूल वहाँ पे निकला बाहर घास में से, घास के बीच में से, मगर जब उसने नोटिस बोर्ड देखा
ट्रेस्पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। तो वो वापस चला गया ज़मीन में और सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। सिर्फ वह खुश रहते थे तो स्नो बर्फ, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा स्नो गिरता है तब फ्रॉस्ट होता है वहाँ पे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, ने कहा बसंत इस गार्डन को भूल चुकी है। दे क्राइड, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद अ ग्रेट वाइट क्लोक। क्लोक एक ऐसा ड्रेस होता है जो पूरी बॉडी को कवर अच्छे से कर देता है। तो यहाँ ये डिस्क्राइब किया गया है कि स्नो ने पूरे एक क्लोक की तरह गार्डन को पूरा कवर कर दिया था। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और फ्रॉस्ट ने पूरी जो पेड़ थे उनको ऐसा लग रहा था जैसे सुनहरे रंग में रंग दिया। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। तब उन लोगों ने नॉर्थ विंड को बुलाया और वो आए। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। अब यहाँ पे नॉर्थ विंड का मतलब होता है बहुत बर्फीली हवा जो थी वो सारा दिन गार्डन में चलती रहती थी। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा यहाँ तो बर्फबारी होनी ही चाहिए। सो द हेल केम, जब बर्फ़ का तूफान आता है तो उसको हेल स्ट्रॉम बोलते हैं। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस। अब पूरे गार्डन में सर्दी का मौसम था, बहुत ज़्यादा बर्फ थी और हर तरफ बर्फीली हवा चल रही थी। आई कैनॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट। अब सेल्फिश जायंट ने सोचा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बसंत ऋतु क्यों नहीं आती मेरे गार्डन में। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर। उसने कहा मुझे लगता है कि वेदर में चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, मगर स्प्रिंग नहीं आया। नॉट द समर, ना ही वहाँ पे कोई भी गर्मी का मौसम आया। द ऑटम केम, पतझड़ आया। गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू जायंट्स गार्डन शी गेव नन। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, सो इट वॉज ऑलवेज विंटर दे। वहाँ हमेशा सर्दी ही रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड एंड हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। वहाँ पे पूरे में सर्दी का मौसम रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है कि जायंट जगा था अपने बेड में जब उसने बहुत सुंदर म्यूजिक सुना। वो उसके कानों को इतना अच्छा लगा, इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। उसे ऐसा लगा जैसे किंग के म्यूजिशियन, जो किंग के कोर्ट में जो संगीतकार होते हैं उनका उनमें से कोई गाना या कोई धुन बजा रहा है। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी सॉन्ग बर्ड, जो बर्ड जो गाना गाती है वो बैठी गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। बहुत दिन हो गए थे कि उसने किसी भी बर्ड को नहीं सुना था अपने गार्डन में। दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। उसे वो दुनिया का सबसे अच्छा म्यूजिक लग रहा था। देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। वहाँ पे बर्फीली हवा, तूफानी हवा चलना बंद हो गई। नॉर्थ विंड भी चलना बंद हो गई। एंड अ डिलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। उसने कहा अंत में लगता है बसंत ऋतु आ गई है। और ही जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड एंड लुक्ड। उसने अपने बेड से बाहर निकला और जायंट और उसने बाहर देखा। नाउ चिल्ड्रन लुक एट पेज नंबर 20। ही saw a most wonderful sight. जायंट ने एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखा। थ्रू अ लिटिल होल, एक छोटे से होल के थ्रू जो दीवार में था,
कि बच्चे अंदर आ गए थे और वो बैठे हुए थे, दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं में डालियों में बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देर वॉज अ लिटिल चाइल्ड, जितने पेड़ उसको दिख रहे थे सब में एक न एक बच्चा तो था ही। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, और वहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था पेड़ों को कि बच्चे आए थे कि उनमें भी पत्ते और फूल निकल आए थे। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड, और पेड़, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें पेड़ बच्चों के सिर पे हाथ फिरा रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, चिड़िया वहाँ पे चहक रही थी। द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, वहाँ पे फूल निकल रहे थे और ग्रीन ग्रास, ऐसा लग रहा था कि सब हंसी खुशी का माहौल है। ओनली इन द कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, एक कोने में अभी भी विंटर था। इट वॉज द फादरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सबसे दूर का कोना था गार्डन का। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पे एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था साइज में कि वो पेड़ों की टहनियों तक पहुँच नहीं पा रहा था। सो ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंडेड, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और बहुत कस कस के रो रहा था, क्राइंग बिटरली। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो, वो पेड़ पूरा अभी भी बर्फ़ से ढका हुआ था। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग, और वहाँ बहुत बर्फीली हवा भी चल रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, जायंट ने बोला ऊपर चढ़ो बेटा, सेड द ट्री, ट्री ने बोला ऊपर चढ़ो। एंड इट बेंड इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, उसने अपनी टहनियों को नीचे झुकाया जितना नीचे भी पेड़ ले जा सकता था। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, मगर लड़का बहुत छोटा था। एंड द जायंट्स हार्ट मेल्टेड, अब ये देखकर जायंट का दिल पिघल गया। एंड ही लुक्ड आउट, उसने देखा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, मैं कितना सेल्फिश था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम, अब मुझे पता चल गया कि बसंत ऋतु क्यों नहीं आ रही है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस लड़के को पेड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और ये जो मैंने दीवारें अपने गार्डन के चारों तरफ खड़ी की हैं मैं इनको भी गिरवा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जायंट ने कहा कि ये हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड है। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, उसे बहुत बुरा लग रहा था, ही वॉज फीलिंग सॉरी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चों को नहीं रोकना चाहिए था, ऐसे गार्डन के चारों तरफ दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए थी। सो ही क्रेप डाउन स्टेयर्स, वो नीचे की तरफ झुका। एंड ही ओपन्ड द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, वो अपने कमरे से बाहर निकला। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, अब बच्चे उसको देखकर इतना डर गए कि वो लोग सब वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और वहाँ पे फिर से सर्दियों का मौसम होने लग गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, सिर्फ वो जो छोटा सा लड़का था ना वो रुका रहा। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें पूरी भरी हुई थी आंसुओं से, दैट ही कुड नॉट सी द जायंट कमिंग, उसको जायंट आता हुआ दिखा नहीं। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, उसने उसको गोदी में उठाया। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पे उठा के बैठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और वहाँ पे तो जो पेड़ था उसमें फूल उगाए, फूल निकल आए, पत्ते निकल आए। एंड द बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट, और वहाँ पे चिड़िया चहचहाने लग गई। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, अब इस छोटे से लड़के ने जायंट के गर्दन की गर्दन को अपने हाथों से हग किया और उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जायंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर, और जब दूसरे बच्चों ने देखा
कि जायंट उस छोटे से बच्चे के साथ इतने प्यार से बिहेव कर रहा है। दे केम रनिंग, वो लोग भागते हुए आए, एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ ही बसंत ऋतु वहाँ आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ, जायंट बोला, अब से ये तुम्हारा गार्डन है। छोटे लिटिल चिल्ड्रन, बच्चों, अब से ये तुम्हारा गार्डन है, जायंट बोला। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने एक बड़ी सी कुलाड़ी ली और उस दीवार को गिरा दिया। एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। और जब वहाँ से लोग दोपहर के टाइम पे निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि दुनिया का सबसे सुंदर गार्डन है वो, और वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन खेल रहे हैं, और इवनिंग में शाम के टाइम वो जायंट के पास आते थे और उनको गुड बाय बोलते थे। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, ही सर, उन्होंने कहा, वो छोटा सा बच्चा कहाँ है। द बॉय आई पुट ऑन द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पे बिठाया था, जायंट को बच्चा याद था तो उसने पूछा, वो बच्चा कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे बिठाया था। जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, वो बच्चा पता नहीं क्यों जायंट को प्यारा लगने लग गया था। वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन, उन्होंने कहा, हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया। ही इज़ गॉन अवे, वो कहीं चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, उन्होंने कहा कि कल उससे कहना कि ज़रूर आए, जायंट ने बच्चों को बोला। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे नॉट नो वेयर ही लिव, बस बच्चों ने कहा हमें पता ही नहीं वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और पहले भी कभी उसको नहीं देखा। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, इस बात पर जायंट बहुत दुखी हुआ। एवरी आफ्टरनून वेन द स्कूल वॉज ओवर, हर दोपहर में जब स्कूल ओवर होता था, बच्चे आ जाते थे, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट, वो आते थे और जायंट के साथ खेलते थे। बट द लिटल बॉय, वो छोटा लड़का जिसको जायंट, जो जायंट के दिमाग में था कि वो बच्चा नहीं दिखा, वो कभी उसको दोबारा नहीं दिखा। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू द चिल्ड्रन, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, बाकी बच्चों को जायंट बहुत प्यार करता था और बहुत ही अच्छे से नम्रतापूर्वक व्यवहार करता था, मगर वो उसको छोटा बच्चा सबसे प्यारा था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, उसने कहा कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। ईयर्स वेंट बाय, कई साल गुजर गए, एंड द जायंट बिकेम वेरी ओल्ड एंड फीबल, और वो जो जायंट था वो बहुत बुढ़ा हो गया और कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, वो फिर से खेल नहीं, अब वो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था, उनका साथ नहीं दे पाता था, उनको ज़्यादा खेल में उनका साथ नहीं दे पाता था। ही सैट इन अ ह्यूज आर्मचेयर, आर्मचेयर एक रेस्ट चेयर होती है जिस पे आप आराम से बैठ सकते हैं। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट द गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, वो बच्चों को खेलता हुआ देखता था और अपने गार्डन को एडमायर करता था। एडमायर करने का मतलब है किसी चीज़ को देखना एक प्यार भरी निगाह से, कि वो उसकी है, वो उसको बिलोंग करती है और उस चीज़ को वो अडोर करता है, मतलब प्यार करता है। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, मगर ये बच्चे हैं, तुम बच्चे होए वो जो दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग, एक सर्दियों की सुबह की बात है कि वो खिड़की से बाहर देख रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे सर्दी का मौसम ख़राब नहीं लगता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ऐसा है कि बसंत सिर्फ सो गया है मौसम, और वापस तो आना ही है उसे। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और फ्लावर्स भी आराम कर रहे हैं सर्दियों के मौसम में। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, एकदम से उसने आश्चर्यचकित हो गया, उसने अपनी आंखें रब करी। एंड ही लुक्ड एंड लुक्ड, और देखता चला गया। इट वॉज सर्टनली अ मार्वलस साइट, उसको एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। इन द फादरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एक सबसे दूर के कोने में, There was a tree quite covered with white blossoms. वहाँ पे सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए थे उस पेड़ पे। Its branches were golden. और उसकी branches जो थी वो golden color की थी, और silver color के fruits उस tree पर लटक रहे थे।
एंड अंडरनीथ इट स्टूड द बॉय ही हैड लव्ड। और जो बॉय, जो लड़का जिसकी वो जिसको वो बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, वहीं वो लड़का खड़ा हुआ था। डाउनस्टेयर्स रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय। जायंट कस के उसको भागा उसकी तरफ, बच्चे की तरफ। एंड आउट इन टू द गार्डन ही हैड हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड। और वो उस बच्चे के करीब आया। एंड वेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर। और जब वो काफ़ी करीब आया उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बोला, हु हैड देयर टू वूंड दी, किसने तुम्हें चोट पहुँचाई। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड चाइल्ड हैंड्स वर प्रिंट ऑफ टू नेल्स। उसने देखा कि उस बच्चे के हाथ में दो नाखून के निशान थे, पाम्स में दो नाखून के निशान थे। एंड द प्रिंट ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट। और पैरों पे भी दो नाखून के निशान थे। हु हैड देयर टू वूंड दी, तुमको किसने चोट पहुँचाई, जायंट ने बोला बच्चे से। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, मैं उसको तलवार से काट दूंगा, जायंट बोला। नहीं, बट दीज आर द वर्ड्स वूंड्स ऑफ लव, उसने कहा ये चोट प्यार की चोट है। हु आर दो, सेड द जायंट, तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंज ऑ फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर एक मैजिकल ऑ, एक मैजिकल स्पेल सा चल गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और बच्चा मुस्कुराया जायंट पे। एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले ऑन वंस इन योर गार्डन, एक बार आपने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माय गार्डन, आज आपको मेरे गार्डन में आना है, विच इज़ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। आज आपको मेरे पास आना है स्वर्ग में। एंड वेन द चिल्ड्रन रैन इन टू इन दैट आफ्टरनून दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड। और उसी दोपहर की बात है कि उन्होंने देखा कि वहाँ जायंट वहाँ पे पेड़ के नीचे डेड पड़ा हुआ है, और उसके पूरे बॉडी पे फूल खिले हुए हैं, और जायंट का यहीं पे एंड हो जाता है। दिस स्टोरी इज़ बाय अ वेरी फेमस राइटर ऑस्कर वाइल्ड।